अनुपा ध्रुव मैम, अनम्यूट कॉल सुन दिया हूँ मैडम। आए और कम शब्दों में अपने बारे में बताएं मैडम, और आज इस डीएमपीएल कंपनी में अपना गोल्ड रैंक अचीव किए तो आपको कैसा लग रहा है? गुड मोस्ट मॉर्निंग वेलकम सर, जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर है? जी? इस जूम मीटिंग में 738 मेरे पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, लीडर्स, उनको भी गुड मॉर्निंग। बहुत घबराई हुई हूँ थोड़ा सा, क्या बोलूँ करके कोई जी। बात नहीं है, जी मेरा नाम अनुपा ध्रुव है और मैं धमतरी से हूँ, जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरा, टीचर के पोस्ट पे। और 5 तारीख को धमतरी में, जिस दिन माघी पुन्नी का मेला था उस दिन ये कार्यक्रम धमतरी में हुआ था, और जिनके माध्यम से मैं आई, मुक्ता यूके मैडम है ना, उन्होंने मुझे कई बार जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए कहा, कुछ कारणों से मैं नहीं जुड़ पाई और उनका लिंक नहीं देख पाई। बट एक कहते हैं ना, कुछ कारण होने वाला रहता है ना, ना देखने का, तो शायद वही कारण था जिसके कारण मैं बहुत दिनों तक उस मीटिंग में, मतलब 4-5 दिनों तक भेजी, वो मुझे लगातार लिंक भी भेजी, मैं जुड़ नहीं पाई। बट 5 तारीख को जब धमतरी में, यहाँ पर हल्दिया साहू समाज में, ये जब कार्यक्रम रखा गया बहुत बड़ा, तो उसमें मैडम ने मुझे कहा, अगर आपके पास समय है मैम तो थोड़ा जाएंगे क्या, ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है तो बोल दी मैं, बट कहीं और जाना था मुझे मेला देखने के लिए, तो मैं सोची चलो भोलेनाथ की यही कृपा है कि थोड़ा सा देख के आ जाऊं, तो गई वहां और बैठी थी लास्ट में। देखी इतना भीड़ था, कुछ पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए थे। फिर थोड़ा सा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही गए ना, तो बहुत, मतलब इतना शानदार कार्यक्रम था, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने बड़े बड़े लीडर्स आए थे वहां, इतना मान सम्मान हो रहा था कि उर्भूषण सर आए थे, बहुत ही एक्साइटेड, मतलब जो बता भी रहे थे ना मुझे एक ही बार में, शायद मैं उस जूम मीटिंग में देखती तो उतना मुझे समझ नहीं आता जितना मैंने, कहना चाहिए साक्षात देखते हैं ना तो समझ आता है। तो क्या है, ऐसा लगा कि आज ही आके ज्वाइन कर लो। और उसके जब आई वहां से, और 9 तारीख को ही, 5 तारीख को कार्यक्रम देख के आई, और 9 तारीख को ही मैंने मैम को कहा, 9 फरवरी को, कि मैम मैं ज्वाइन होना चाहती हूँ, ऐसा करके मैं ज्वाइन हो गई दोस्त। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ज्वाइन हुई, अब उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना घबराहट हुआ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा आइडिया वो नहीं था, बट इतना था कि दूसरे को भी ये दिखाना है, ऐसा करके। तो थोड़ा सा क्या हो गया गड़बड़ी में, उस टाइम थोड़ा बहुत जानकारी नहीं होने के कारण मैंने सब चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया भाजी पाला। तो डिप्रेशन में भी चली गई कि कोई ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहे हैं, वैसा नहीं हो रहे हैं, ऐसा करके बहुत सारा चीजें मैंने क्या कर दिया था, बिगाड़ दिया था, सिर्फ जानकारी नहीं होने की वजह से, क्योंकि मैंने अच्छे से मीटिंग अटेंड नहीं किया था उस टाइम ज्वाइनिंग करने के बाद, और बहुत जल्दी जल्दी सभी को इन्वाइट कर दिया। लिस्ट तो मैं बना के रखी थी, जितने थे सभी को एक साथ इन्वाइट कर दिया, तो मेरे से बहुत सारी गलतियां हो गई। मैंने स्टेटस भी लगाना शुरू कर दिया था एक्चुअली में, है ना, ये सब गलतियां मुझसे हो गई थी। तो कुछ दिन मैं डिप्रेशन में चली गई, बातें करना बंद कर दी अपने स्टाफ से। फिर मैंने एक ठान लिया कि मुझे आई तो हूँ इस जगह पे, कुछ करने के लिए आई हूँ, जो इतना बड़ा कार्यक्रम देख के आई हूँ कुछ करके ही रहूंगी, ऐसा करके। तो मैंने क्या किया, सब चीज बंद कर दिया, स्टेटस लगाना हर चीज बंद कर दिया, थोड़ा सा ट्रेनिंग को सीखना शुरू किया, सब चीज, बातें करना बंद कर दिया सबसे, सब यही कहते थे फिर चल रहा है तुम्हारा डीएमपीएल, दिन भर यही बोलते थे। मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता था, मीन्स कितना कमाई क्या की है ना, दिन भर इसी में लगी पड़ी रहती है, टोकने वाले बहुत थे मुझे, तो इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दिया मैंने। और एक जगह ही बैठ के ना क्लासेस लेते लेते बहुत सारी ट्रेनिंग, मैंने किसी को इनविटेशन नहीं दिया, मतलब इनवाइट ही नहीं किया, कहना चाहिए मैं सिर्फ ना ट्रेनिंग देखा करती थी, ट्रेनिंग खूब लिखा करती थी, खूब हर ट्रेनिंग, और ये भी कर लिया कि हाँ दिवंगत सर देते हैं तो दिवंगत सर का लिस्ट है, केयूर भूषण सर देते हैं तो केयूर भूषण सर जी का है, और सभी का ऐसा मैंने बनाना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। सिर्फ ट्रेनिंग ही सीखा मैंने कि क्या होता है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, ये ट्रेनिंग ही था जो मुझे कहना चाहिए जनवरी के बाद फरवरी मार्च और अप्रैल में, मैं इस गर्मी छुट्टी का इंतजार कर रही थी कि कब मैं, मतलब इसी गर्मी में ही गोल्ड बनूंगी करके, है ना। फिर क्या हुआ, थोड़ा काम जब करना शुरू किया ना, जब ज्वाइनिंग सब आना शुरू हुआ, तब मुझे अच्छा लगने लगा और मजा भी आने लगा। मजा सबसे पहले इस बात का आने लगा कि
दिवांगन सर जो है ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर निकालते थे, और मैं हर ऑफर को अचीव करती थी तो मुझे सबसे पहले मजा आता था। और मेरे जो अपलाइंस है ना, मेरे जो सपोर्टिंग मैडम जो है, उषा ध्रुव मैडम जी, उषा ध्रुव मैडम जी है, कुलेश्वरी कंवर मैडम जी है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती रहती हमेशा। और हम लोग बोलते भी रहते हैं, दिवांगन सर बोल रहे होंगे कि ये मुझे लूट डाल रही है, जब भी ऑफर निकालता हूँ हर चीज अचीव कर लेती है। ओके ओके बहुत जी एक बढ़िया अचीव नहीं कर पाई सर, जो जी आप जी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म निकाले थे उसमें जो अमलेश नागेशकर था वो मेरा फेवरेट था, मैं जाना चाह रही थी, जी वो अचीव नहीं कर पाई है ना। तो इसमें मेरे जो सपोर्टिंग है ना मैडम लोग, मुझे हर पल पल सपोर्ट किए हैं सर। आज अगर ये गोल्ड रैंक अचीव की हूँ तो उन्हीं की वजह से ये गोल्ड रैंक अचीव की हूँ। ओके तो ओके जी मैं यही सर, कहना चाहती हूँ समय कि दो समय 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 ज्यादा हो रहा है मैडम। नेक्स्ट जी टारगेट सर क्या है जी, आपका? नेक्स्ट टारगेट है सर जुलाई तक मुझे 1 स्टार बनना है जी अच्छा सर। और मैं बढ़िया काम करते करते इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो अपने एमडी सर को, तीनों एमडी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं जॉब करते करते इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म पाई हूँ और इनकम कर रही हूँ जी। थैंक यू ओके सर थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। देख सकते जी हैं जी दोस्तों कि म्यूट कर लेंगे मैडम, देख सकते हैं दोस्तों जी कि हर किसी के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आता है ना। और आप देख सकते हैं मैडम गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप डीएमपीएल कंपनी को पार्ट टाइम के रूप में काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं जैसे कि मैडम को प्रॉब्लम आया, उसी तरीके से मुझे भी आया था और आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम को ज्यादा फोकस ना करते हुए सोल्यूशन पर फोकस किया और मैडम ने सीखना स्टार्ट किया, डायरी में नोट डाउन करते गए और जो भी ऑफर था उन्होंने अचीव करने का ठाना और इतने कम समय में अपना गोल्ड रैंक अपडेट किया। थैंक यू सो मच मैडम, और बहुत बहुत बधाई हो अपने नेक्स्ट रैंक के लिए।